निक फ्यूरी के बुलावे पर दुनिया की रक्षा के लिए सभी अवेंजर्स अब शील्ड एजेंसी के ओरंग खटोले पर आ गए हैं और सब मन लगाकर काम कर रहे हैं। कमीनो, अबे सालो, तब से क्या चकल्लसबाजी चल रही है? मैंने तुम दोनों को हर आकृति को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोनों चुपके से यहाँ मियाँ खलीफा के वीडियो देखकर आंखें सेक रहे हो। तुम लोग जो करने के लिए बुलाए गए हो वही करो, नहीं तो सालो मेरे धोबी के गधे की कसम, तुम दोनों के ही पिछवाड़े कुत्तों से कटवा लूंगा सालो। वैसे हम तुम्हारे ही लैपटॉप में रखे वीडियोज देख रहे हैं, हमें पता चल गया है कि तुम्हारे लैपटॉप का डी ड्राइव पूरा का पूरा मियाँ खलीफा के वीडियो से भरा है। कितने शर्म की बात है साला, हमें काम पर लगाकर उधर पतंगबाजी कर रहा है केबिन में। ओ जॉनी, इसके लैपटॉप की सिर्फ डी ड्राइव ही नहीं बल्कि ई एफ और जी ड्राइव भी मियाँ खलीफा के हाई डेफिनेशन वीडियो से भरे हुए हैं। कम से कम लगभग पूरा 5 TB का मटेरियल लैपटॉप में पड़ा है। सारा दिन सिर्फ मियाँ खलीफा के वीडियो डाउनलोड करना और फिर अपने रूम में अंधेरा करके उनको देखना, मुझे लगता है कि शायद यही असली वजह है जिसके कारण तुम्हारी एक आंख अंधी हो गई है। क्यों निक, सही कहा ना मैंने? इन बातों को जरा धीरे बोलो, मेरी टीम के लोग आसपास ही है, उन्हें सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग तो मेरी बातों से नाराज हो गए, तुमको तो पता है ना कि मेरी आदत है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को परेशान करने की। बुरा मत मानो, जो पता चला है प्लीज उसे अपने तक ही रखना, ठीक है? कोई फायदा नहीं मिस्टर फ्यूरी, नीचे के कमरे तक तुम लोगों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही है। इस जहाज का हर इंसान अब इन बातों को जान गया है कि उनका कप्तान निक फ्यूरी एक नंबर का रनवा है। अब फ्यूरी और मियाँ खलीफा की कहानी सबकी उत्सुकता का विषय बन चुकी है। सॉरी मिस्टर स्टार, तुम लोगों का कंप्यूटर सर्च शायद धीमा हो गया है, मैंने सेक्टर 7 को खोलकर देख लिया है। वहाँ मिस्टर फ्यूरी ने पूरा हॉल अजीबो गरीब सेक्स टॉय मेटल और रबर के डिग्लो मियाँ खलीफा के पोस्टर्स और उसकी वीडियोज की DVD से भर कर रखा हुआ है। तुम सभी लोग मिले हुए हो, तुम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ही आए हो। तुम लोगों का दिल किसी बुरे आदमी को तकलीफ देकर ही सुकून हासिल करता है। तुम लोगों का दिल कोई दिल नहीं है बल्कि किसी सस्ते बाजारू गधे की काली गाल है जिसमें अपंग इंसानों के लिए सिर्फ घृणा भरी हुई है। Oh my God. कौन अपंग इंसान है यहाँ? निक फ्यूरी, तुम तो अपंग नहीं हो, काफी बड़े और हटे कट्टे दिखते हो। मेरी एक आंख नहीं है, यह तुमको नहीं दिख रहा है क्या? तुम तो एस्कार्ट के हो, तुम खुद को देवता कहते हो, क्या तुम्हें मुझ बुरे इंसान की ऐसी फजीहत करने वाले इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलोगे? तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो फ्यूरी, जबकि तुमको शर्म आनी चाहिए अपनी इन हरकतों पर। दूसरी बात यह कि हम लोग खुद नहीं आए हैं यहाँ पर, हमको तुमने अपने एजेंट्स को भेजकर मिन्नतें करके बुलवाया है ताकि हम यहाँ मेहनत करें और तुम अपने कमरे में जाकर मियाँ खलीफा के साथ चैटिंग करते रहो। क्या तुमने कभी किसी महिला के साथ गुपचुप तरीके से चैटिंग नहीं की है? तुम खुद एक नंबर के लफड़े वाले मजनू मामा हो, जबकि तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कोई अनोखी चीज कर दी हो। बात चैटिंग की नहीं है, बात यह है कि हमें काम पर लगाकर तुम अपनी आवाज को गर्म रखने के वीडियोस डाउनलोड करने में लिप्त पाए गए हो। हम लोग जो बोल रहे हैं, अगर यह तुमको जाती लग रही है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम शील्ड के पैसों से अपने लिए धातु का इतना बड़ा डिग्लो क्यों बना रहे हो? बताओ क्या वजह है तुम्हारी इन हरकतों की? इसकी वजह से अगले गंजे आदमी मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोच ले कि मैं पिछले 1500 सालों से मुझसे भिड़ने वालों का पिछवाड़ा तोड़ता आया हूँ। 4 साल पहले तुम्हारे दुनिया से एक लोहे के बदन वाला डल्लो मैन हमारी धरती पर आया था, जिसकी वजह से मियाँ खलीफा बहुत प्रभावित हुई थी और मुझे कहने लगी, ओ तुम्हारे पास एक आँख नहीं है और सर पर बाल भी नहीं है, कम से कम तुम्हारे पास इस गाद से आए डल्लो मैन की तरह वो खास औजार तो होना ही चाहिए, वरना फ्यूरी मैं तुमसे वीडियो चैट पर कभी भी बात नहीं करूंगी। लात मार के भगा दूंगी तुमको। और इसीलिए मैं शील्ड के पैसों से अपने लिए बड़ा आयरन मोजो बनाने के काम में लग गया था। आखिर इसे कहाँ इस्तेमाल करने का प्लान है तुम्हारा? क्या तुम हाल को भी कॉम्पिटिशन देना चाहते हो? क्या मर्दांगी के लिए साइज वार शुरू करने का इरादा है तुम्हारा? देखो ब्रूस, तुम बहुत गुस्से में आ गए हो, तुमको अब इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ओ, मैं तो वासनाओं की कहानियों से दूर कोलकाता शहर में था, रसगुल्ला खा रहा था। तुम ही मुझे यहाँ इस गंजे हवस के गुलाम की सर्कस देखने ले आई हो, अब मेरा भी मोजो जाग गया है,
अब मुझे भी मियां खलीफा से मिलना है, उसकी सारी फिल्में देखनी है, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगा अशीर के लिए। मेरे पास मियां की फिल्मों को देखने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द खुद मियां चाहिए, फ्यूरी से भी पहले। फ्यूरी जैसे नमूने को मैं मियां को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। सब बोल चुके हैं, मगर हमारा 100 साल का बूढ़ा आदमी क्यों अपनी भावनाओं को छुपा रहा है? मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा, मैं 70 साल तक नींद में रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तब। Oh my God. अब तो वो मिस पेगी भी बूढ़ी हो गई है, मगर आज सेक्टर 7 के हॉल में जो मैंने मियां के वीडियोस देखे तो मेरे बदन में आग लग गई। अब तो मुझे भी मियां डार्लिंग चाहिए। और तुम मेरी मियां से दूर रहना टोनी, जब वह आएगी तब वो सिर्फ मेरे ही रूम में जाएगी। तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? तुमको तो वैज्ञानिकों ने एक लोहे के बंद कैप्सूल में बनाया था। तुम्हारी पहचान तो एक पतले हड्डी वाले शरीर के मरियल रेंडिया के रूप में थी। थूकते थे लोग तुम पर। वहाँ तो तुम क्या हो? लोहे के अंडरवियर के अंदर एक घमंडी इंसान, अगर उसे उतार दो तो तुम क्या हो? करोड़पति, जीनियस, रोमियो, और हाँ, आज से, अभी से, मियां खलीफा का आशिक, उसका होने वाला पति भी। मियां का नाम अपने होठों पर कभी मत लाना, वो सिर्फ मेरी ही है। और मैंने देखा है, तुम तभी लड़ते हो जब आसपास खूबसूरत लड़कियां खड़ी नोटिस कर रही हो, वरना तुम अपने मोजों को सहलाने में मस्त रहते हो। और हाँ, किसी गांड में इतनी जान नहीं है यहाँ जो मेरे जॉयस्टिक में है, मियां के लिए। तुम लोग तो मेरी ही प्रॉपर्टी पर आंख गड़ाए बैठ गए हो कुत्तों। मैं तुम लोगों की तरह हवस भरी नजरों से नहीं देखता हूँ मियां को। मियां और मेरा रिश्ता बेहद पवित्र है। तुम लोगों जैसे वासना के गुलाम कभी नहीं समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। जब मैंने बोल दिया कि मैं ही मियां के लिए योग्य मर्द हूँ, तो लोगों को मुझे दूसरे तरीके से समझाने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। ब्रूस, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो तुम मुझे भूलकर मियां खलीफा की बाह में जाना चाहते हो? मियां खलीफा आसगार्ड की हसीना है, इसलिए उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उसे मेरे अलावा कोई छूने की कोशिश करेगा तो समझ लो कि वो इस पृथ्वी को और बड़े पैमाने पर जंग के लिए तैयार करना चाहता है। इन सब हरामखोरों की तो अब बोलती ही बंद कर दूंगा मैं। इनके पिछवाड़े में जो आग लगी है, मियां खलीफा को अपना बनाने की, तो उस पर पानी फेरने आया हूँ। हाँ हाँ, आज भाग जाऊंगा इनके जहाज से, मियां के वीडियोज की सभी हाई डेफिनेशन डीवीडी लेकर। और इस तरह से जो सुपरहीरोज दुनिया की रक्षा करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे, वो एक महिला मियां खलीफा के मुहपाश में फंसकर आपस में लड़ने लगे। बहुत लात घूंसे चले इनमें, किसी ने किसी की अंडरवेयर फाड़ दी, तो किसी ने किसी की जाड़ फाड़ दी, कोई अधनंगा होकर तोड़ फोड़ करने लगा, तो कोई अपनी गोटियां बचाकर छिपने लगा। तमाशा ऐसा हुआ कि लोग आखिरकार कहने लगे कि हे भगवान, इन हवस के गुलामों से अब तू ही दुनिया को बचा ले। सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। Check the mic and make sure it sound right, boys.